इंग्लिश नहीं। रिएक्शन आप तो संभाल के आया। ये तो सारे दोनों लोग मिलते हैं। लेकिन जावा कर रहे थे ना आजकल ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का, यस सर। तो पिछले दिन जावा था आपको हुआ कुछ नहीं हुआ भाई। क्या कोई एक्सटर्नल आ गया है क्या? एक्सटर्नल आ गया भी सुने तुमने आज आज कोई आया था बाहर से? नो काम no, सर। रिपोर्टिंग हुई तो कोई आया? अब मैं लॉकिंग का मीटिंग ओके सर। बाहर से जो कोई आया कोई आएगा नहीं? नो सर, आई डोंट। और कोई आ सकता है? आप मतलब कि है 5 मिनट ओवर हो गया ना, टू मच टाइम टू फॉर वेटिंग। अलाउड जो बाहर निकलेगा वापस घुस सकता भी है घुस नहीं भी सकता। पिछले दिन ना तुम लोगों को वो बता रहे थे अपने लिए प्रोग्राम करवाया था, फॉर्म बनाया है ना? आज देखते हैं सबमिट कुछ करोगे। क्या देखते हैं तुम लोग मौका दिखा भाई? सिंह यस सर। प्रोग्राम यस सर। सिंह का प्रोग्राम देखा है ना? प्रोग्राम फर्स्ट स्विंग एग्जाम ये जो है यहाँ पर वहाँ पर एप्लेट करते थे जावा, ठीक है, एप्लेट इंपोर्ट कर देते हैं वहां पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पर जो है स्विंग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या जो हमने मतलब ये स्टेटमेंट कॉमन स्टेटमेंट जो हम लोगों ने एप्लेट में इस्तेमाल किया था AWS में, ओके। नाउ ये अब देखो इस चीज में हमें क्या क्या पब्लिक क्लास स्विंग एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट स्विंग देखो हमने उस दिन कहा था, ठीक है, अपडेट वाले जो मेरे क्लास होंगे उस अपडेट वाले क्लास के आगे मेरे को जो है उस दिन बटन वाला लगाया था ना, ठीक है, उस दिन बटन वाला लगाया था। आज जो है क्या लगा रहा हूँ? आज ये बटन लगा रहा हूँ, है ना? उस दिन बटन लगाया था वो सबलेट सबलेट प्रोग्राम डिजिटल क्लास। हेलो वर्ल्ड, अरे ये तो क्लास पहले। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, अब ये दिख रहा है तुमको? ये एप्लेट वाला जो मैंने वो किया ओपन किया ये दिख रहा है? ये वाला नंबर तुम लोगों को ब्लैंक नो सर। नो सर। ब्लैंक स्क्रीन सर। ब्लैंक ब्लैंक स्क्रीन। स्क्रीन ब्लैक आ रही है। अब कुछ दिख रहा है? मतलब सर प्रोग्राम। कोडिंग दिख रहा है सर। अभी कोडिंग दिख कोडिंग रहा दिख है। अभी कोडिंग दिख रहा है रहा ना अभी? अभी अभी क्या दिख रहा है? अभी अभी ब्लैक सर। ब्लैक स्क्रीन। अभी ब्लैंक ब्लैक स्क्रीन ब्लैंक हो गया। अरे तेरा यार खत्म जो हो भी बात जाएगा। कर रहा है यार उसको बोलो चुप करे यार, ठीक है, जो भी झगड़ा कर रहा है आदेश चुप करने को कहो उसे, वरना हम झगड़ा करने लगे। अब देखो ये दिख रहा है अपलोड हेलो वाला वर्ल्ड वाला। प्रोग्राम? यस सर। अपलोड वाला यस सर। प्रोग्राम में तो बटन नहीं है वो, नहीं है प्रोग्राम।
डिजिटल क्लॉक में हम लोगों ने बटन का इस्तेमाल किया था। सर कल कौन सा वाला, पिछले दिन कौन सा वाला प्रोग्राम किया था? प्रोग्राम नाम दिया ना, सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यस सर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को शेयर करो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है भाई तुम लोगों को? हेलो हाँ सर दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पर बटन इस्तेमाल किया, लेबल इस्तेमाल किया, टेक्स्ट फील्ड इस्तेमाल किया है ना। ये क्या था मेरा ये एम्पलेट जो देखो यहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट जावा डॉट एम्पलेट है ना। तो वहाँ क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग। ओके ठीक है, जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग, जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग, ये दिख रहा है जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग दिख रहा है? ये वाला प्रोग्राम दिख रहा है? नो सर ब्लैंक है। मल्टीपल इंस्टेंस नहीं ले रहा दिख रहा है, फर्स्ट स्ट्रिंग प्रोग्राम दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर हमने किस तरीके से जो यहाँ वहाँ बटन इस्तेमाल किया था, यहाँ देखो क्या हमारा जे दिख रहा है? ठीक है तो डिफरेंस समझ गया, उसके में और इसके में क्या है। ठीक है उसके में देखो हमारा जो है ये वाला स्टेटमेंट नहीं था, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एआरजी सिस्टम में नहीं था। मेरे को क्या था उसके में, उसके में मेरे पास एक सपोर्टिव बैकअप चाहिए रहा था। ठीक है मतलब एक मेरे को एक्स्ट्रा कोई ब्राउजर चाहिए, जिसके एप्लेट को कोई ब्राउजर चाहिए जिसके सहारे से क्या एप्लेट चल सके। एप्लेट इंडिपेंडेंट नहीं है तो ब्राउजर के सहारे चलना है, जिसके भी ब्राउजर हो जाए, फायरफॉक्स हो जाए, क्रोम हो जाए, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाए या फिर कोई दूसरा ब्राउजर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको एक ब्राउजर चाहिए खड़ा होने के लिए, ठीक है प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ब्राउजर वो प्लेटफॉर्म है जो एप्लेट को खड़ा कर रहा है। इसलिए क्या है क्योंकि ये मेन यहाँ पर पड़ा हुआ है तो मेन ही सारा चीज संभाल ले रहा है। ठीक है मेन अपने हिसाब से काम कर ले रहा है। ओके तो यहाँ देखो मेन जो है अब एक्चुअली व्हाट विंडो इज, विंडो के लिए हम लोग फ्रेम सोचते हैं ना। ठीक है प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे वहां पर क्या, वो मेरा जो है एचटीएमएल का जो विंडो है, एचटीएमएल का जो ब्राउजर है, वो ब्राउजर मेरा ठीक है एचटीएमएल को लेकर के वो जो है उसको वो फ्रेम मिल रहा है, एचटीएमएल का फ्रेम मिल रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के। लेकिन यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, इसको फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया भाई, विंडो बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेम की जरूरत होती कि नहीं होती है? तो याद करो जब हमने हमने कंपोनेंट वाला ठीक है हमने एक बात बताया था कंपोनेंट की, जब हमने क्लास करी थी तो कंपोनेंट की क्लास पे के में हमने क्या किया था, कंपोनेंट के क्लास में हमने विंडो की बात करी थी। विंडो के लिए दीवार में भाई काटना जरूरी है, जिस दीवार में बड़ा वाला जो है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर एक जो है ठीक है एक कट होना चाहिए, जिसके हम लोग क्या करेंगे फ्रेम बैठाएंगे। उस फ्रेम के में क्या करेंगे, जो भी खिड़की होगी वो खिड़की मतलब कि जो है कि जो डोर पैन होगा वो डोर पैन बैठाया जाएगा उसके में। डोर पैन याद रखना, पैन डोर पैन बैठाया जाएगा। उस डोर पैन के में जो है ग्लास पैन बैठाएंगे जाएंगे ठीक है, चाहे ग्लास, अब ग्लास पैन भाई तुम ब्लू बैठाओ, ग्रीन बैठाओ, व्हाइट बैठाओ, ब्लैक ब्लैक बैठाओ, ये तुम्हारे एंटायरली तुम्हारे पे। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्विंग। तो यहाँ पर देखो मेरे को क्या है फ्रेम तैयार करना है, फ्रेम ठीक है। देखो फ्रेम फ्रेम क्लास क्या है, अगर मैं एप्लेट में फ्रेम बनाऊं तो वो सिंपल फ्रेम होगा, और मैं अगर स्विंग में बनाऊं तो वो जे फ्रेम होगा। जे फ्रेम एफ इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, ये मेरा क्या हो गया फ्रेम तैयार हो गया। अब इस फ्रेम के में मेरे को सबको चिपकाना है, इस फ्रेम को मेरे को क्या करना है सबको चिपकाना है ठीक है। जे बटन बी इज इक्वल टू न्यू जे बटन ठीक है, मैंने जे बटन को वो प्लेस लोकेट कर लिया, फिर उसको मैं क्या मैंने सेट बाउंड कर दिया। सेट बाउंड मतलब वो कहाँ पर फिक्स होगा ठीक है, बी डॉट सेट बाउंड मतलब 70, उसका जो है 70 50 और 100 मतलब उसका जो है एक्स एक्सिस 70 होगा ठीक है, वाई एक्सिस जो होगा उसका 50 होगा, और जो है उसकी विड्थ कितनी होगी, विड्थ 100 की होगी, और जो है उसकी हाइट कितनी होगी, हाइट 10 की होगी, हाइट क्या होगी 40 की होगी। दिस इज द बेसिक फिनोमेना ऑफ सेट बाउंड, किस तरीके से मैं सेट बाउंड कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ एफ डॉट एड, फ्रेम में मैं ऐड कर रहा हूँ, किसको ऐड कर रहा हूँ बी को, बटन बी को ऐड कर रहा हूँ फ्रेम में। मैं क्या कर रहा हूँ बटन बी को ऐड कर रहा हूँ है ना। उसके बाद क्या है मैं फ्रेम का साइज तैयार कर रहा हूँ, फ्रेम का साइज कितना होगा 400/500 मेरा फ्रेम का साइज होगा ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेम को ठीक है सेट लेआउट,
मैं फ्रेम का लेआउट क्या कर रहा हूँ, मैंने साइज बता दिया, आप लेआउट भाई लेआउट को मैंने नल कर दिया, यूजिंग नो लेआउट मैनेजर, मैंने कोई लेआउट मैनेजर का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, इसीलिए मैंने सेट लेआउट क्या कर दिया, नल कर दिया। अब फ्रेम को दिखने के लिए मेरे को फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा, सेट विजिबल, फ्रेम दिखेगा मेरे को, मेरा मेरा विंडो दिखेगा, जो मेरा विंडो हो गया वो विंडो दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा, ठीक है, उसको मैं सेट विजिबल करूँ तो मेरा विंडो दिखेगा, अगर ये सेट विजिबल नहीं करूँ तो मेरा विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मेरा जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट विजिबल कमांड अगर नहीं करेंगे तो वो नहीं दिखेगा। उसके बाद देखो इसको मैं, इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है, वो एक्शन लिसनर मैं पिछले दिन पिछले क्लास में बता रहा था ना, एक्शन लिसनर किस तरीके से होगा, ठीक है, ये वही एक्शन लिस्टर है, ये जो क्लोज वाली बटन हमारी ऊपर होती है, ठीक है, इस क्लोज वाले बटन को, रेड वाली बटन को, रेड क्रॉस को जो अगर हम लोग दबा दें, ठीक है, तो ये जो रेड क्रॉस है मेरा, इसको दबा देने में मेरा विंडो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो ये क्या है, ऐड, देखो यहाँ पर क्या है, ऐड विंडो लिस्टनर, जो विंडो का लिस्टनर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, क्या होगा उसको, वो पैरामीटर में लेकर के जा रहा है, एक कंस्ट्रक्टर को कंटेन कर रहा, बना रहा है विंडो एडाप्टर का, विंडो एडाप्टर का जो इवेंट है, विंडो एडाप्टर के नाम से जो इवेंट है उसको क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। फिर उसके में पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग एक फंक्शन है, उस विंडो क्लोजिंग फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ विथ विंडो इवेंट ई, विथ विंडो इवेंट ई, और उसके में मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एक स्टैटिक जो वेरिएबल है जिस पर्टिकुलर विंडो को लेकर के सिस्टम डॉट एग्जिट, ठीक है, समटाइम्स देखो अगर मैं यहाँ पर जो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, काला वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वहां हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, एक्सेल, ठीक है, जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उस कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल लिखते हैं। तो उस जो कमांड प्रॉम्प्ट है, हम लोग जब एक्सेल एक्सेल में जब हम लोग एग्जिट लिखते हैं, उस एक्सेल के एग्जिट के में हमारा क्या हो जाता है, उस एक्सेल के एग्जिट के में एक्सेल बंद हो जाता है। तो सिमिलरली वही एग्जिट वाला काम मैं यहाँ पर काम करा रहा हूँ, सिस्टम डॉट एग्जिट, सिस्टम डॉट एग्जिट, वहां पर जो कमांड हो रहा है सिस्टम डॉट एग्जिट, ये इंटरनल कमांड है, ठीक है, कर्नल का, जो सिस्टम डॉट एग्जिट को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट करा रहा है, ये प्रोग्राम है, ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये ठीक है, जिसको हमें कॉल करना होता है, ये चीज याद कर लेना, ये वाला जो पार्ट है, एफ डॉट एड विंडो लिसनर न्यू विंडो एडाप्टर पब्लिक वर्ड विंडो क्लोजिंग विंडो इवेंट इज सिस्टम डॉट एग्जिट, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है, देखो ये जो है मैंने इसका यहाँ पर, ये क्या है, ये फंक्शन है, ये वाला एक्चुअली ये जो है ये एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट चूंकि अलग अलग दिखे इसीलिए मैंने इसको अलग तरीके से किया, देखो इस ब्रैकेट के पास यहाँ पर दिख रहा है, ब्रैकेट के पास मैंने सेमी कॉलन लगाया, उसको क्लोज किया हुआ है, क्यों भाई लोग, हाँ यस सर, सर दिख रहा है सर, ठीक है, तो ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखा है जिसको मैंने एंटर मार करके मल्टीपल लाइन बना दिया, ठीक है, इसको मैंने एंटर करके मल्टीपल लाइन बना दिया। अब देखो इसके बिना भी मेरा प्रोग्राम चलेगा, ऐसा दिस इज नॉट नेसेसरी कि इसके बिना प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है, इसके बिना भी मेरा प्रोग्राम चलेगा, लेकिन इसको क्यों लगाया है मैं बताता हूँ कि इसको क्यों लगाया गया है, ठीक है, अब इसको जो है स्टॉप करते हैं, कहाँ गया, अब देखो इसमें नहीं मिलेगा जावा सी, इस प्रोग्राम का नाम, अच्छा ये तुमको ये स्क्रीन दिख रही है ना, कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन दिख रही है ना भाई, यस सर, यस सर, इसको कंपाइल कर लेंगे, देखो इसी तरीके से ना हम लोग जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, है कि नहीं, किया अच्छा। कुछ आया चल करके, यस सर, क्लिक आया सर, एक आया यस सर, विंडो विंडो बन करके आया जिसको यस सर, क्लिक मतलब एक बटन जो है जिसको मतलब क्लिक जो है क्लिक जो दिख रहा है, ठीक है, तो अब क्लिक ये जो मेरा लिखना क्लिक बटन दिख रहा है ये मेरा क्या हो गया,
विंडो एक्शन मतलब कि जो है ये क्लिक बटन मेरा सिंक के सहारे से मैंने किस तरीके से सिमिलर जो है मैंने एक बनाया है कि नहीं, एक विंडो बनाया, एक विंडो बना मेरा, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या तैयार हो रहा है, ये मेरा एप्लीकेशन तैयार हो रहा है। मैं देख लो ये जावा वाला कब बना हुआ है, जावा का लोगो मोबाइल लो। जावा का कब बना हुआ है, यस जावा का लोगो बना हुआ है कि नहीं। यस सर। तो ये जो जावा का कब बना हुआ, ये मेरा क्या एप्लीकेशन, पिछला वाला क्या था मेरा, यहाँ पर मेरा क्या ब्राउजर चल रहा था, यहाँ ब्राउजर नहीं चल रहा, ध्यान रखो, ध्यान करो इस चीज को, मैं ध्यान सुनो इस चीज को, ये कि यहाँ ब्राउजर नहीं चल रहा, यहाँ क्या चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। ये क्लिक किया तो क्लिक के रिस्पॉन्स में यहाँ कुछ नहीं है, तो एक बटन बना करके मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, जिस सैम्पल को जो है मतलब अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सको आगे बढ़ कर। तो इसको देखो यहाँ पर हमने क्लोज किया तो ये देखो यहाँ पर ये आ गया, ओके। अब देखो ठीक है, मैं इसको बंद करके वापस जो है मैं अपने उस पे जा रहा हूँ, चला गया फर्स्ट विंडो पे, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला इसको, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको सेव किया, ठीक, वापस डिलीट कर दिया, दिख गया ना भाई, डिलीट हो गया, दिखा कि नहीं दिखा, यस सर, दिखा ना, रिस्पॉन्स भी करो। फिर देखो इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, कंपाइल करा रहे हैं, कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया। अब इसको क्या करा रहे हैं, रन करा रहे हैं, ठीक, रन तो कर गया, देखो ये मेरा रन कर चुका है कि नहीं, ये मेरा रन कर चुका है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। जो मेरा जैसा यस एक्सपेक्टेड था वैसा एक्सपेक्टेड था। तो अब लो सर, वो उसकी सर, क्या जरूरत थी सर, वो उसकी तो जरूरत थी नहीं, ठीक है, मतलब जो है उसको खाम खाम लोग लिखे थे। अब उसकी जरूरत यहाँ पर समझ आती है, ये हमने जो क्लोज किया है, तो मेरा एप्लीकेशन क्लोज कर चुका है, लेकिन इन द बैकग्राउंड ये अभी भी रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है, देखो यस कर्सर सर, यहाँ पर बैकग्राउंड क्लिक पे कर रन रहा है, कर रहा है क्लिक कर सर, रहा है कर्सर, यस सर, ये बैकग्राउंड में ये प्रोग्राम अभी भी रन कर रहा है, वहां से सर, एग्जिट नहीं हुआ है, ठीक है, ये प्रोग्राम क्या है, अभी भी रन कर रहा है, वहां से एग्जिट बैकग्राउंड नहीं में अभी हुआ। भी चल रहा है वो, हाँ बैकग्राउंड में अभी भी रन कर रहा है सर वो। यस एग्जैक्टली, बैकग्राउंड में अभी भी रन कर रहा, मतलब उसका जो थ्रेड है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास है, इसलिए अभी मैंने भी इस है चीज को मैंने एग्जांपल कोड भी किया, मतलब एक तीन से दो निशाना है मेरा, मैं आपको थ्रेड भी बता पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर स्ट्रिंग भी बता दूंगा, ठीक है, एक साथ मैंने दो को जो है एग्जाम्पल क्रिएट करके मैं मर्ज करके मैं बता रहा हूँ, इस चीज को समझना, मतलब इसका जो थ्रेड है, जो थ्रेड जो ओएस के साथ बना हुआ, वो थ्रेड इज स्टिल अलाइव, दैट इज नॉट येट एग्जिटेड, वो अभी तक एग्जिट नहीं मारा, वो अभी भी अलाइव है, यू कैन नॉट स्टॉप इट हियर अंटिल अनलेस यू डोंट किल दिस प्रोग्राम, ठीक है, इस प्रोग्राम को जब तक आप किल नहीं करोगे वो थ्रेड नहीं स्टॉप होगा, और वो ये बैरियर क्रिएट करता रहेगा, आप इसके में कुछ भी लिखो, देखो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ कुछ है नहीं, क्योंकि कंट्रोल अभी भी उस थ्रेड के पास है, इस विंडो का, ये जो मेरे पास अभी कमांड प्रॉम्प्ट है, इस कमांड प्रॉम्प्ट का कंट्रोल अभी भी वो थ्रेड लेकर के बैठा हुआ, तो मैं ये नहीं कर सकता, तो मेरे को यह क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एग्जिट भी लिखूं, ये एग्जाइटी एग्जिट भी लिखूं, तो एग्जिट भी नहीं लिख पा रहा, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पर मेरे को, मैंने इसको क्या किया, फोर्सफुली जाकर के क्लोज किया, तब जाकर के जो है ये एप्लीकेशन जो है क्लोज हो गया। नाउ मैं दोबारा जो है विंडो प्रॉम्प्ट को जो है विंडो प्रॉम्प्ट को मैं दोबारा चला रहा हूँ, ठीक है, आप फिर तुम लोगों को दोबारा शेयर कर रहा हूँ विंडो प्रॉम्प्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैं एग्जिट लिखू, ठीक है, एग्जिट लिखने पे क्या हो रहा है, मेरा विंडो क्लोज हो गया ना, ठीक है, दिखा कि नहीं दिखा, नहीं दिखा, ज्यादा क्लोज स्पीड में करो, हो हाँ गया सर, दिखा है ना, क्लोज हो गया, किस तरीके से एग्जिट मार रही है, एग्जिट एग्जिट विंडो दिख रहा है, दिख यस सर, ओके रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके सर, नहीं अब दिख हट गया सर, अब हट गया, यस रहा, अब दिखने लगा, सर, हाँ दिख ठीक, रहा है, देखो दिख हमने एग्जिट मारा, विंडो क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो यही जो एग्जिट है, यस सर, इसी एग्जिट को मैंने वहां पर सिंटेक्स के सहारे इस्तेमाल किया, ठीक है, इसी एग्जिट को हमने वहां पर सिंटेक्स के सहारे इस्तेमाल किया, ओके। वापस ठीक है, आप ब्लैक स्क्रीन दिख रही भाई, मेरा प्रोग्राम हाँ शॉर्ट सर, हुआ, प्रोग्राम था बदल लेते हैं, ठीक है,
मैंने प्रोग्राम को जो है क्या कर लिया, वापस बदल लिया, ठीक है, इसको सेव कर दिया, वापस बदल करके सेव कर दिया। यही जो है सिस्टम डॉट एग्जिट जो है, ये सिस्टम डॉट एग्जिट मेरा क्या कर रहा है, उसको एग्जिट ले करके जा रहा है, उस क्लोजिंग फाइल जो विंडो, इसीलिए देखो ये क्या विंडो क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग वाले एक्शन इवेंट को क्या कर रहा है, ये लिसन कर रहा है, पूरी बात ठीक है। विंडो क्लोजिंग वाला जो एक्शन है, ठीक है, विंडो क्लोजिंग वाला जो एक्शन है उसको क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है, ओके। विंडो इवेंट, विंडो इवेंट के सहारे ई वाला ऑब्जेक्ट बनाए, ई वाला ऑब्जेक्ट उससे लिंक आया और ई वाला ऑब्जेक्ट उसको क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसका तैयार हुआ, विंडो एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार हुआ। विंडो एडाप्टर मेरे को कहाँ पर मिलेगा, इस इवेंट वाले क्लास के अंदर विंडो एडाप्टर मिलता है, ये जो इवेंट डॉट एस्ट्रिक जो बना हुआ है इसके अंदर मेरा विंडो एडाप्टर मिलता है, ठीक है। और एक्शन विंडो लिसनर भी इसी ए डब्ल्यू टी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल के, इसीलिए है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल के, ठीक है। किसी भी अगर मैं विंडो तैयार कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ही जो मैंने स्विंग से तैयार किया वो एप्लीकेशन ही, ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। अब इसके सहारे से हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब ये चीज तैयार हुई, तुम लोगों को क्लियर हुआ ये किस तरीके से मेरा स्विंग वाला प्रोग्राम चल रहा है, स्विंग वाला प्रोग्राम जो है मेरा मेन के सहारे चल रहा है, ओके। क्लास इसको सेव कर दिया, सेव करके जो है वापस रन कराते हैं, वापस रन करा करके मैं देखो ये जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे घुसता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में घुस करके जे बी ए जावा सी, ठीक है, एफ आई आर एस सी फर्स्ट फर्स्ट एस डब्ल्यू आई एन जी स्विंग ई एस ए एम पी एल एग्जाम्पल डॉट जे बी ए, जावा प्रोग्राम ऐसे ना एग्जीक्यूट कराते हो जी सर, कंपाइल हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ठीक है, इसको रन करा दिया, आ गया, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो चल जाएगा, लेकिन ये वाला वो नहीं डालेंगे, क्लोजिंग नहीं डालेंगे, तो एग्जिट आप देखो यहाँ पर एग्जिट किया, एग्जिट आ गया ना, कमांड प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आ गया, यस सर। दिस इज द डिफरेंस, ये जो है मेरे को एक्शन विंडो लिसन ऐड विंडो एडाप्टर के मेरे को इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, विंडो लिसन एडाप्टर क्लास के इस्तेमाल, ओके। स्विंग समझ गए हो भाई, हाँ सर, अब विंडो का ये साइज है कुछ ज्यादा ही अटपटा सा है, ऊपर होता है 200, ऊपर देखो मेरी विंडो की साइज क्या है, विंडो का साइज नहीं होगा, ठीक है, तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल हमने कोड करने की कोशिश करी है, लेकिन पूरा स्क्रीन आ रहा है ना, ठीक है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक लॉगिन पेज वाला, ठीक है, इसका मेरा जो क्या हो गया, मेरा विंडो वाला पार्ट, इसके ऊपर छोटी सीखे हुए किस तरीके से कोड क्या काम कर रहा था। यहाँ पर मेन में मैं इसमें उसमें भी मैंने सेट विजिबल इस्तेमाल किया था पिछले वाले के में, इसके में भी मैं सेट विजिबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा इलाबोरेट वाला है। यहाँ पर देखो मैंने पैनल ऐड किया हुआ है, ठीक है, जे पैनल, ठीक है, फ्रेम हो गया, देखो फ्रेम, ठीक है, फ्रेम बनाया, फ्रेम का साइज बनाया, ठीक है, फ्रेम का साइज को मैंने क्या किया, डिफॉल्ट क्लोजिंग करा, वही ये वही क्लोजिंग वाला फंक्शन है, जो क्लोजिंग वाले फंक्शन के सहारे मैं क्या कर पा रहा हूँ, क्लोज कर पा रहा हूँ विंडो को, ठीक है, ये मेरा क्लोजिंग वाला फंक्शन हो जा रहा है, एग्जिट ऑन क्लोज, जे फ्रेम एग्जिट ऑन क्लोज, मैंने वहां पर या फिर ये वाला फंक्शन लिखो, या फिर वहां पर जो मैंने लाइन लिखा ना, विंडो एडेप्टर विंडो लिसनर वाला एफ डॉट एड विंडो लिसनर, ठीक है, ये जो वहां पर उतना लंबा लाइन है, यहाँ पर ये सिंगल लाइन पे काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर मैंने क्या किया, पैनल तैयार किया, ठीक, उस पैनल को मैंने क्या कर दिया, जे फ्रेम में ऐड कर दिया। देखो यार फ्रेम में, ठीक है, फ्रेम में ना हम लोग विंडो के जो पल्ले हैं, पल्ले हैं वही ना, विंडो के पल्ले फ्रेम में चिपकाते हैं, तो ये मान के चलो पैन मेरा क्या हो गया, पल्ला हो गया, ठीक है, तो मैं उस पल्ले को मैंने क्या किया, फ्रेम में चिपका दिया, पैनल समझो, पैनल का क्या काम हो रहा है भाई लोग, कोई कुछ बोले साहब, हाँ सर, हाँ ठीक है, बोलते रहना, अगर मेरे को
पड़ेगा तो मैं मतलब हवा में चला जाता हूँ अंधेरे में, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, ये मैंने क्या किया, प्लेस कंपोनेंट पैनल कर दिया, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद पैनल के भी मेरे को क्या, सब कुछ चीज को क्या करना होगा, पैनल को ऐड करना। नाउ देखो यहाँ पर पैनल सेटिंग वर्ड प्लेस कंपोनेंट, ठीक है। प्लेस कंपोनेंट को मैं क्या करूँ, ये जो मैंने यहाँ पर फंक्शन ये कॉल किया ना, ठीक है, इस प्लेस कंपोनेंट का, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया प्लेस कंपोनेंट, कंपोनेंट को कहाँ प्लेस करना है, ठीक है। और उसका लेआउट क्या है, सेट लेआउट मैंने क्या कर दिया, सेट लेआउट नल कर दिया भाई। आप मेरे हिसाब से लेआउट चलेगा, कंप्यूटर का लेआउट नहीं। आप मेरे हिसाब से मैं लेआउट क्या कर रहा हूँ, ये पैनल तैयार करना और सब सब लेवल्स, ठीक है, यूजर लेवल तैयार कर रहा हूँ, मतलब एक एक करके लेवल तैयार कर रहा हूँ। उस वाले में क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले में क्या था, मैंने लेवल तैयार किया था, लेवल के लिए एल ए बी ई एल लेवल लिखा था। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्विम के लिए जे लेवल कर दिया, ठीक है। ये लेवल यूजर लेवल मैंने तैयार कर लिया, उसमें लिख दिया यूजर का नाम। फिर अगला वाला लेवल मैंने क्या कर दिया, उसके में उसका जो हमने सेट बाउंड कर दिया, लेवल कितने में आएगा, 10, ठीक है। जो सेट बाउंड पिछले वाले में था, सेट बाउंड उसका साइज होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसका साइज थोड़ा लंबा कितना होगा वो मैंने कर दिया। अब उसको मैंने क्या किया, सेट उसको मैंने यूजर के में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, पैनल में ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को, मतलब जो यहाँ पर हॉस्टल में रहते होंगे वो क्या करते हैं, खिड़की है, खिड़की में मतलब कि जो है खिड़की का फ्रेम है, खिड़की के फ्रेम में खिड़की के पल्ले लगे हुए हैं, पल्ले में पैन लगा हुआ है, ग्लास पैन लगा हुआ है। अब उस ग्लास पैन से धूप आती है तो तुम उसके में क्या करते हो, कुछ अखबार वगैरह चिपका देते हो, या फिर कैलेंडर वगैरह चिपका देते हो, कोई कागज वगैरह चिपका देते हो, अपना ड्रॉइंग कार्ड ड्रॉइंग बना करके चिपका देते हो, है कि ना। उस पैन के में चिपकाते हो, चिपकाते हो पैन में चिपकाते हो, जो ग्लास पैन है ग्लास पैन में चिपकाते हो, फ्रेम में नहीं चिपकाते हो। और मेरा ग्लास पैन कहाँ के में चिपका हुआ, ग्लास पैन फ्रेम में चिपका हुआ। देखो ये जो मेरा ग्लास पैन है, ये ग्लास पैन मेरा कहाँ चिपका हुआ, फ्रेम के में चिपका हुआ था, लगे वाला पैनल यहाँ पर तैयार हुआ, और पैनल को जो है ग्लास पैन क्या हुआ, पैन मेरा क्या, फ्रेम में चिपका हुआ है, ठीक है। तो मेरे को फ्रेम में क्या चिपकाना, पैन चिपकाना, ठीक है। और पैन के में मेरे को दूसरी चीजें चिपकाना, या देखो मैंने यहाँ पर पैन में क्या किया, मैंने यूजर का जो लेवल है, यूजर लेवल मैंने पैन के में चिपकाया। सिमिलरली एक और लेवल मैंने टेक्स्ट फील्ड भी हमने बनाया, टेक्स्ट फील्ड को भी मैंने पैनल में चिपकाया है कि नहीं, ठीक, टेक्स्ट फील्ड को भी मैंने पैनल में चिपकाया। फिर एक और मैंने पासवर्ड का जो है, पासवर्ड का लेवल तैयार किया, ये देखो पासवर्ड का मैंने लेवल तैयार किया हुआ। फिर पासवर्ड के लेवल को मैंने पैनल में चिपकाया, फिर उसका जो है टेक्स्ट फील्ड बनाया, ठीक है, पासवर्ड का जो है पासवर्ड फील्ड बनाया, पासवर्ड फील्ड का जो है हमने पासवर्ड फील्ड अलग वो है, ठीक है, जिसमें मैं एस्ट्रिक एस्ट्रिक बन करके आता हूँ। तो पासवर्ड फील्ड बनाया, पासवर्ड फील्ड का भी साइज किया, उस पासवर्ड फील्ड को भी मैंने क्या, उस पैनल के में चिपकाया, ठीक है। मतलब एक एक चीजें बना रहा हूँ और उसको पैनल में क्या कर रहा हूँ, चिपका रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, ठीक है, दिस इज व्हाट माय प्लेस कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट प्लेस, प्लेस कंपोनेंट का एक फंक्शन बना लिया, जो फंक्शन क्या कर रहा है, सारे कंपोनेंट्स को पैनल के में क्या कर रहा है, चिपका रहा है, ओके। उसके बाद क्या, पैनल डॉट एड, मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग इन बटन, एक जो है एक बटन तैयार किया मैंने, उस बटन को मैंने पैनल के में चिपका दिया, ठीक। फिर इसको जो है सेव करके चला लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है, ऑलरेडी ये तो सेव है ही है यहाँ पर। जावा सी सिमिलरली उसी तरीके से एस डब्ल्यू आई एन जी स्विंग एल ओ जी लॉग इन डॉट जे वी ए, यही है मेरा स्विंग लॉग इन डॉट जावा, ठीक। पब्लिक क्लास लॉग इन लॉग इन भाई बता दिया मालिक, वही है
दिखा क्या सर आ गया सर। क्या आया? यूजर 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 पासवर्ड मांग रहा है सर। जैसे यूजर पासवर्ड और लॉगिन बटन आया। दिखा किस तरीके से? यस सर। ये मेरा मैंने तैयार किया। ओके पासवर्ड फील्ड के में देखो मेरा जो एस्ट्रिक है एस्ट्रिक बन करके आने लगा है कि नहीं? यस सर। ठीक है यहाँ पर मेरा लॉगिन वाला बटन है, लॉगिन वाला बटन है, लॉगिन काम करेगा। ओके नाउ ऑल गुड। ठीक है स्ट्रिंग किस तरीके से काम कर गया दिख गया? हाँ सर बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? सागर कहाँ चला गया? तो वो ज्वाइन किया तभी चल गया 10 मिनट में आते हैं। सागर को बोलो ज्वाइन करने के लिए। सर वो मैसेज किया हुआ चैट चैट भी था कि चैट टू एवरीवन मैसेज भी देखो अभी सर आया। क्या वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है क्या? दोबारा लॉगिन नहीं कर पा रहा है? देखो जरा पूछो जरा एक बार। मैं इसलिए यूं इसलिए किया ना क्योंकि कल जो है एक जो है मतलब कि स्पैम एंट्री हुई थी, उस स्पैम एंट्री के लिए मैंने जो है उसको ब्लॉक कर दिया था, मतलब लॉक कर दिया। शायद उसका जो है एक बार देखो जरा वो उससे पूछो वो एंट्री कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब मैंने लॉक किया था तब वो लॉग्ड इन था। हो सकता है नेटवर्क चले जाने के कारण जो है उसका मतलब लॉग इन नहीं मना हो मना कर रहा हो लॉग इन। प्रकाश का भी नहीं हो रहा था सर। एक बार बात करो कोई, एक बार उसको व्हाट्सएप या फिर मैसेज या फिर कॉल कुछ कर लो जरा, कॉल करके बताओ। बेचारा देख नहीं पाया। सर आ रहा है बोला। सर बोल रहा आ रहे हैं। पिछले दिन सर एक ही समय। हाँ बोलो। हेलो सर। सर एक चीज समझ नहीं है सर, लेआउट को कैसे सेट करते हैं? लेआउट को मुझे डिग्री का बताओ, 30 डिग्री से वो कैसे सेट करते हैं? देखो मैं दोबारा प्रोग्राम जो है उस प्रोग्राम को मैं शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट प्रोग्राम को चला रहा हूं। फर्स्ट प्रोग्राम का एक क्या क्या मेरा स्विंग लॉगिन दिख रहा है ना? हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर। सर सागर बोला कि लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहा है सर। लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहा है ना? यस सर। लॉक कर लेता हूँ, मैंने मीटिंग अनलॉक कर दी। अब उसको बोलो ज्वाइन कर। ओके सर बोलो। सुमित हेलो। यस सर। ये जो तुम्हारी न्यू कंपनी की सेटिंग लेआउट हम कैसे सेट करेंगे? ठीक है एक्चुअली सेट लेआउट करने पे क्या होता है ना कि मेरे को कंप्यूटर के हिसाब से मेरे को क्या डेटा डालना है,
अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेट लेआउट को मैंने ठीक है नल कर दिया। अब मैं अपने हिसाब से मैं डेटा को डालूंगा, अपने हिसाब से डेटा को डालूंगा, मतलब yes, तरीके से मैं अपने हिसाब से डेटा को डालूंगा। मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ठीक है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से मैंने पॉइंट कर दिया, जो विंडो मेरा तैयार हुआ ठीक है, उस विंडो में उस विंडो के हिसाब से जीरो, उस विंडो का जीरो जीरो पॉइंट मतलब सबसे सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर होगा ठीक है। यस सर, जैसे ये यहाँ पर मैंने सेट बाउंड का ठीक है, ये सेट बाउंड का वाला है यहाँ पर सेट बाउंड ठीक है। यूजर लेवल को मेरे को कहाँ पर सेट करना है, 10 और 20 के मैं सेट करना है। इसका हाइट और विथ क्या होगा, विथ और हाइट क्या होगा, विथ होगा 80 और हाइट होगा 25 ठीक, विथ होगा 80, 80 पिक्सल उसका विथ होगा ठीक है, और 25 पिक्सल उसका क्या होगा, हाइट होगा ठीक। सिमिलरली देखो ये देखो 10 और 20, ये क्या है मेरा सेट बटन यूजर, सेट बटन यूजर लेवल में क्या, यूजर लेवल ये है, यूजर लेवल में यूजर लिखा हुआ है ठीक। इस यूजर के में मेरा यूजर कहाँ लिखा जाएगा, 10 और 20 के जगह लोकेशन पे लिखा जाएगा। सिमिलरली दूसरा वाला मेरा पासवर्ड है ना, लिखा हुआ कहाँ चला गया, पासवर्ड 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 पासवर्ड, ये लेवल एक पासवर्ड तैयार, पासवर्ड ठीक, ये पासवर्ड, ये भी देखो ये 10 और 50 के बीच में होगा ठीक। ये क्या होगा, 10 और 50 के बीच में होगा ठीक। देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिख रहा है, एक्स ठीक है, वाई एक्सिस दिख रहा है ना, तो सॉरी एक्स एक्सिस दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस 10 से शुरू हो रहा है, ये भी एक्स एक्सिस देखो 10 से शुरू हो रहा है ठीक है। ये एक्स एक्सिस 10 से कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा, ये एक्स एक्सिस जो पासवर्ड बड़ा लेंथ है तो ये कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है कि नहीं ठीक। उसके बाद देखो यहाँ से मैंने अब एक्स एक्सिस को मैंने क्या कर दिया ठीक है, इसका जो टेक्स्ट फील्ड है, इसका टेक्स्ट फील्ड जो है हमने वाई वाला पार्ट मैंने क्या कर दिया, इसका जो टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड का एक्स एक्सिस को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा करके मैंने 100 कर दिया ठीक। उसके बाद जो है मैंने वाई एक्सिस को क्या रखा, वाई एक्सिस वहीं पे, वाई एक्सिस वहीं पे होगा, मतलब सिमिलरली उसी जगह पे पहुंचे ठीक है। मैं सबसे कहूंगा ठीक है, मैं सबसे कहूंगा कि जो है ये सारे एक्सिस जो है, ये सारे एक्सिस तुम लोग लिख लो एक जगह पे सारे जो है, मतलब यूजर लेवल का यूजर वाला एक्सिस लिख लो ठीक है। यूजर मैं भी लिख रहा हूँ तुम लोगों के साथ ठीक है, एक पेन और कॉपी लो और लिख लो। यूजर में मेरा एक्सिस क्या दूंगा, 10 दिया हुआ है, 10 है, 20 एक्स वाई, उसके बाद क्या है मेरा विथ है, डब्ल्यू आई डी टी एच, विथ मेरा कितना है, विथ है, विथ 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 कहाँ चला गया, विथ 80, विथ है 80, और हाइट क्या मेरा, एच आई जी एच टी, हाइट क्या है मेरा, हाइट है 25 ठीक है। देखो मैंने, मैं एक टेबल बना रहा हूँ ठीक है, टेबल यहीं पर करूँगा, एक एक वर्ड ये तुम लोगों को दिख रहा है ना प्रोग्राम, हाँ सर, यस सर, मेरा एक्स एक्सिस थोड़ा सा
वर्ड दिख रहा है ये तुम लोगों को दिख रहा है बड़ वाला पार्ट बड़ वाला पार्ट दिख रहा है हेलो यस सर दिख रहा हेलो हेलो दिख रहा है यस सर दिख रहा सर दिख रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सो प्लीज दस पचास अस्सी करके सौ बीस पैंसठ करके सौ बीस सौ बीस सिक्सटी फाइव दस पचास अस्सी करके दस पचास अस्सी करके सौ पचास अब देखो ये मेरा क्या है सारे मतलब जो है एक्स वाई वेरिएबल एक्स वाई क्या होता है एक्स वाई मेरा थॉट हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ये दोनों क्या हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वाई कोऑर्डिनेट तो अब देखो कोऑर्डिनेट ये तो नहीं होता स्पेलिंग है कोऑर्डिनेट स्पेलिंग नहीं ना होता जो लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अब ये चीज देखो अगर ठीक है एक चीज समझना मेरी है अगर एक विंडो अगर इसके में कुछ शेप अगर क्लियर करना चाहते तो एक दिस इज माय विंडो ठीक है एक दिस इज माय विंडो अगर ये मेरा विंडो है ठीक है इस विंडो के पे ये मेरा जो कोऑर्डिनेट है ये वाला पर्टिकुलर जो कोऑर्डिनेट है दिस कोऑर्डिनेट इज दिस व्हाट दिस कोऑर्डिनेट इज जीरो जीरो ठीक है यहाँ से मेरा आगे बढ़ता चला जाएगा
पेन दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर दिख रहा सागर ज्वाइन कर पाए क्या? सागर ने ज्वाइन किया, देखो जरा तुम लोग। यस सर ज्वाइंड है सर, सागर एंड नीलेश बोथ हैज ज्वाइन। सागर और नीलेश अब देखो इसके में मैं क्या बना रहा हूँ, एक जीरो जीरो ये अगर मेरा वही ज्यादा इतना बड़ा तो दिखता है भाई। ठीक है अगर ये वाला पार्ट मतलब जीरो जीरो कोऑर्डिनेट हो तो ठीक है, ये वाला पार्ट को जीरो जीरो कोऑर्डिनेट होना तो मैंने टोटल इसका साइज कितना लिया है, ये फ्रेम का साइज कितना है 350/200 फ्रेम साइज। देखो एक चीज देखो यहाँ पर ठीक है, एक चीज मैं स्विंग को शेयर कर रहा हूँ, स्विंग में देखो यहाँ पर साइज देखो फ्रेम की मेरी साइज क्या है, फ्रेम की साइज मेरी 350/200 है ना। यस सर ठीक है 350/200 ये फ्रेम की साइज है, समझना ले लिया ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरा फ्रेम कहाँ चला गया, तो लास्ट भी सी बात है ये क्या होगा मेरा, ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस ये होता है तो दिस इज 350 350/200। अब समझो चीज मतलब ये वाला पार्ट मेरा क्या yes, है ठीक, ये वाला पार्ट मेरा क्या है इस वाले पार्ट को, ये 350/200 ये पार्ट आया मेरा है कि नहीं, तो ये क्या हो गया मेरा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला कॉर्नर क्या होगा मेरा, ये वाला कॉर्नर होगा, ये वाला कॉर्नर क्या होगा 350.0 क्यों 350.0 होगा ना ये वाला पार्ट यस सर, तो ये वाला पार्ट क्या होगा जीरो, ये वाला पार्ट क्या होगा 0.200 0.200 ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया 0.200 हो गया ये वाला पार्ट अभी नहीं वाला ओके तो ये मेरे पास आ गया। अब इस चीज के में देखो यूजर कहाँ लिखा जाएगा मेरा ठीक है, अगर मैं इसको मतलब कि यहाँ पर उस तरीके से स्केल नहीं है, स्केल होने के मतलब इसको मैं 350 पार्ट कर लेता तो ये मिडिल वाला पार्ट जो है ये मिडिल वाला पार्ट होना चाहिए ठीक है, ये मिडिल वाला पार्ट कितना 350 का आता कितना होता है 175 होता ठीक है, ये वाला पार्ट जो होना चाहिए मेरा 175 होना चाहिए, दिस इज माई 150 ये आधा वाला पार्ट 175 होना चाहिए ठीक, और ये वाला पार्ट मेरा क्या होना चाहिए लगभग, ये वाला पार्ट मेरा 200 होना चाहिए, बीच वाला पार्ट मेरा 100 होना चाहिए 100 जी सर 100 ये वाला पार्ट मेरा हो जाएगा 0.01 ये वाला पार्ट 0.1 ओके तो अगर मैं यूजर को लिखना चाह रहा हूँ ठीक है, यूजर को लिखना चाह रहा हूँ क्या लिखना चाह रहा हूँ 10 के में यूजर लिखना चाहूँ मतलब 10 यहीं कहीं होगा ठीक है, और 20 वाला कोऑर्डिनेट यहाँ कहाँ होगा, मीन्स मैं इस पर्टिकुलर जगह पे मैं यूजर लिखूंगा ठीक यस सर, इस पर्टिकुलर जगह पे मैं यूजर लिखूंगा, इसके बाद देखो पासवर्ड क्या लिखा जा रहा है, एक्स एक्सिस 10 ही रहेगा लेकिन वाई एक्सिस कहाँ चला गया, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट चला गया 50 चला गया, मतलब यहाँ इस किसी जगह पे, इस किसी जगह पे होगा क्या होगा पासवर्ड होगा
इस किसी जगह पे मेरा क्या हुआ, पासवर्ड में। ओके, यहाँ हालांकि पासवर्ड मेरा कुछ ज्यादा लंबा लिखा गया, ठीक है। अब देखो सिमिलरली इसके बाद क्या, मेरे को यूजर टेक्स्ट फील्ड डालना है, ठीक है। यूजर टेक्स्ट फील्ड डालना, यूजर टेक्स्ट फील्ड कहाँ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे 100 में चला जाएगा, वाई ये उतना ही रहेगा, मतलब ये कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ हालांकि 175 दिखा रहा है, ठीक है, तो 100 कहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं इस किसी जगह पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, टेक्स्ट फील्ड दिखा रहा है। टेक्स्ट फील्ड कैसे दिखाएगा, टेक्स्ट फील्ड इस तरीके से दिखाएगा, टेक्स्ट फील्ड ये मेरा टेक्स्ट फील्ड दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, यूजर का टेक्स्ट फील्ड हो गया। सिमिलरली देखो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, देखो ये जहां से शुरू होगा ये भी टेक्स्ट बॉक्स भी वहीं से ही शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड है, पासवर्ड को काट के तो अब यहाँ पर देखो इसका भी 100 से शुरू होगा, कितने वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि इसका भी देखो पासवर्ड तो भी वाई कोऑर्डिनेट 50 है, यूजर और यूजर के टेक्स्ट फील्ड का इन दोनों का कोऑर्डिनेट 20-20 है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट 50-50, मतलब अलाइनमेंट बनाने के लिए। तो इस पर्टिकुलर स्लॉट पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर 100 पे, ठीक है, 50 के साइज का, 100 के साइज का, दोनों का जो साइज है सिमिलर साइज के, देखो 50 से 100, yes, ये भी ये कितना, ये 20 से 100 की दूरी भाग रहा है, तो ये 20 से 100 की दूरी लिया, इसने 50 से 100 की दूरी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया। उसके बाद लॉगिन वाला जो बटन है, लॉगिन वाला बटन क्या है, 10, मतलब एक्स यूजर 10, yes, मतलब 10 यहाँ से माने थे, 10 को थोड़ा घटा लेते हैं, ये मेरा 10 हो गया इसके हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो बटन मेरा कहाँ पर लगेगा, लॉगिन वाला बटन, लॉगिन वाला बटन रहेगा 10 के में रहेगा, और उसकी वाई कोऑर्डिनेट कितनी होगी, इसकी वाई कोऑर्डिनेट 50 की थी, इसकी वाई कोऑर्डिनेट 20 की, इसकी वाई कोऑर्डिनेट 50 की, तो इसकी वाई कोऑर्डिनेट कितनी की पहुंच गई, 80 की पहुंच गई, मतलब यहाँ कहीं पर होगा, है ना, 80 की, ठीक है, इसकी वाई कोऑर्डिनेट 80 की है, ठीक है। तो इसमें कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 10, एक्स कोऑर्डिनेट 10 और वाई कोऑर्डिनेट 80, मतलब यहाँ पर कहीं पर मेरे को जो है लॉगिन वाला बटन दिखेगा, किसी जगह पर मेरा लॉगिन वाला बटन दिखेगा, है कि नहीं, ठीक, समझ गए। ये किस तरीके से मैंने जो है अपना लेआउट तैयार किया, मैंने सिस्टम लेआउट को हटा दिया, मैं अपना लेआउट एक्स वाई जेड के हिसाब से क्या कर रहा हूँ, अपना लेआउट बना रहा हूँ, इससे क्या मेरे को किसी की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम लोग भाई मैथमेटिक्स में हम लोग ग्राफ बनाते थे ना, वो ग्राफ वाला ग्राफ पेपर इस्तेमाल करते थे, ठीक है, तो सिमिलरली yes, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या किया, ग्राफ वाला पेपर इस्तेमाल किया हुआ है इस पर्टिकुलर जगह पे, है ना। तो वही ग्राफ वाला इस पेपर इस्तेमाल करके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, किस तरीके से किया जा रहा है, ओके। अब इस पर्टिकुलर यहाँ पर लिख ही देते हैं, जब ये बना दिया खांचा बना दिया, तो यहाँ पर लिख देते हैं लॉगिन मेरा लॉगिन वाला बटन हो गया, ठीक है, समझो किसी इस प्रकार से, ठीक है। मेरा विंडो का साइज क्या होना चाहिए, इस तरीके से दिखना चाहिए मेरा विंडो वाला साइज, और शायद ऐसा ही दिखा भी था, रन कर चुका हूँ उसको, यस सर, यस सर, रन कर करा लिया है ना, ठीक है, कहाँ चला गया मेरा कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड ठीक है, तो जावा स्विंग को मैं रन करा लूँ तो मेरा क्या इसी प्रकार से कुछ दिख रहा है ना भाई, देखो इसी तरीके से कुछ दिख रहा है, दोनों चीज एक साथ शेयर नहीं करते, अरे क्या यार
दोनों एक साथ यस सर इसी प्रकार से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो ये वाला कोऑर्डिनेट जो है ठीक है हम लोग इस वाले पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट में ठीक है सर इस कोऑर्डिनेट ये वाला कोऑर्डिनेट ये वाला कोऑर्डिनेट ज्यादा नहीं कर रहा है कंप्यूटर के हिसाब से सेट लेआउट करेंगे तो मेरे को उसके हिसाब से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि इस विंडो को मैं क्या करता हूँ मार्जिन में तोड़ देता हूँ ठीक है इस तरीके से मार्जिन इस तरीके से बोल रहा हूँ एक लाइन तो इस एक मेरी नहीं हो गई ठीक है सिमिलरली जो है अगली लाइन ये वाली हो गई मैंने क्या किया इसको कॉलम वाले कॉलम और उसके में हमने तोड़ दी ठीक है सिमिलरली ये मेरी एक लाइन हो गई ठीक ये मेरी एक लाइन हो गई ये खाचा हो गया तरीके से इसको कहते हैं जो मैं बना रहा हूँ इसको कहते हैं ग्रिड ठीक है तो आप क्या करो ठीक है एक एक करके ग्रिड तैयार कर लो एक एक करके ग्रिड तैयार करो उस ग्रिड में जा करके एक एक कंपोनेंट को ऐड करो ठीक है ये जो है यूजर ठीक है ये यूजर जो है मेरा यूजर यूजर क्या है यूजर है कंपोनेंट ठीक है ये क्या है ये कंपोनेंट मतलब एक एक ग्रिड के मैं आप क्या तैयार करो एक कंपोनेंट तैयार कर लो ठीक है इस ग्रिड का हो गया इस वाले ग्रिड का पार्ट हो गया जीरो मतलब कि जो है 1.1 इस ग्रिड का नंबर क्या हो गया 1.1 ये इस ग्रिड का नंबर हो गया सिमिलरली इस ग्रिड का नंबर हो जाएगा 1.2 इस ग्रिड का नंबर हो गया 1.2 ठीक है इस ग्रिड का नंबर हो गया मेरा 1.3 हटाना हटाना है ठीक है इसका हो गया 1.3 ठीक है इस तरीके से मैंने ग्रिड तैयार कर लिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा ये वाला ग्रिड हो जाएगा 2.1 का ये वाला ग्रिड हो जाएगा 2.2 का ये हो जाएगा 2.3 का इस तरीके 3.1 4.1 5.1 तो ये वाला ग्रिड हो जाएगा मेरा 5.3 का ठीक है ये मेरा ग्रिड क्या हो गया 5.3 समझ गया ना इस तरीके से मैंने क्या किया मैट्रिक्स के हिसाब से मैंने किया है तरीके से यस ओके भाई तो ये इससे ज्यादा बेहतर होता है ठीक है मैं एक एक कंपोनेंट को एक्स वाई एक्सिस के में जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया ठीक है मेरे को कंप्यूटर का हेल्प नहीं चाहिए मैं अपने हिसाब से जैसे मैं ग्राफ में बनाता हूँ ग्राफ पेपर में बनाता हूँ ड्रॉइंग उस हिसाब से मैं ग्राफ पेपर में उठा करके मैं अपना एक एक कंपोनेंट चिपकाता हूँ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिजाइन एनी फॉर्म ये एक तरीके से मैंने एक फॉर्म ही डिजाइन किया ना ठीक है ऑल क्लियर यस सर सारा क्लियर है बताएंगे कंटिन्यू करते हैं अब स्विंग का प्रोग्राम बन जाएगा ना भाई लोग यस सर बन जाएगा सर क्या कोशिश करना ना जरा यस सर तुम लोग अभी कहाँ पर क्लास है मैथ का क्लास है ना तुम लोगों का भी अजीत सर का क्लास सॉफ्ट स्किल का सर जी सर अजीत सर हैज जॉइंड ओ अजीत सर ऑलरेडी आ चुके हैं गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर हमने आपका पांच गुड आफ्टरनून सर ठीक है सर आप जो है कंटिन्यू